रोविंग कश्मीर इस निशस्त में आपका खैर मुकदम। 5 अगस्त सेंटर के जानिब से वादी कश्मीर में 370 और 35A को रिवोक किया गया। उस डिसीजन को भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं ने यहां पर वेलकम किया। इसी सिलसिले पे हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर लतीफ़ अहमद खान साहब। खान साहब, सबसे पहले खैर मुकदम आपका। शुक्रिया शाहिद साहब आपका। 370 और 35 से धारा नरेंद्र मोदी जी ने ख़त्म किया, अब वो वापस आने वाला नहीं है। ये कुछ गिने चुने लोगों की फ़ायदे के लिए था 370 35 से, अब वो चला गया। जब से 370 और 35 से ख़त्म हो गई, तब से जम्मू कश्मीर यूटी में पंचायत राज नरेंद्र मोदी जी ने कायम किया, पंच सरपंच बनाया, सीधा पैसा सरपंच के अकाउंट में आता है। आज आप देख रहे जो देहात में लोग रहते हैं, गाँव में जो लोग रहते हैं, जो सिटी में लोग रहते हैं, आज पढ़े लिखे नौजवान अपना रोज़गार खुद कमाता है। पहली बार यहाँ पे यूटी में इतने रोड्स बने, सड़कें बनी। 370 को जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया था तो उस वक्त ये वादा किया गया था कश्मीरी नौजवान जो है उनको रोज़गार दिया जाएगा, मगर अब तक ग्राउंड पर यही देखने को नहीं मिल रहा है। तो एज ए बीजेपी सीनियर लीडर आपकी रिएक्शन क्या है इसके बारे में? आप तो देख रहे हैं जो प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ के तहत बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार मिला है। पहले जब जम्मू कश्मीर में किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरियां देते हैं वो इन्हीं गिने चुने लोगों को दिया जाते हैं, आज यहां लाखों के तादाद में पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार है। इंशाल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में सोच रहे, हमारे अमित शाह जी वो उनके बारे में सोच रहे, इंशाल्लाह सबको रोज़गार मिलेंगे। नौकरियाँ तो दूर की बात है, यहाँ बहुत सारे अब फैक्ट्रियाँ आने वाले हैं, हर किस्म के रोज़गार नौजवानों को इंशाल्लाह रहमान मिलेगा। रविंदर रैना डाक बंगलो पहुँचे, यहाँ पे मीडिया के साथ बात की, कहा कि भाजपा इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। महबूबा मुफ्ती जी कह रही हैं जब तक 370 और 35A को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक पीडीपी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए? स्टेटहुड तो हमारे जो सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेम्बर सोफी यूसुफ साहब, उसने भी कहा जब कश्मीर में हालात ठीक हो जाएगा तो स्टेटहुड, अमित शाह जी ने भी कहा जब हालात ठीक हो जाएगा तो उसके बारे में देखा जाएगा। और आपने एक सवाल किया मुझसे कि महबूबा जी ने कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये महबूबा जी की बोल है। ये वही महबूबा जी है जिसने कहा कि बच्चे हमारे टॉफी लेने जा रहे हैं कैंपों में, दूध पीने जा रहे हैं, महबूबा जी अब यहाँ से चले गए, ग्राउंड से भी महबूबा जी चले गई, पीडीपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा के सीनियर लीडर जिनका कहना है कि स्टेटहुड के लिए यहाँ भाजपा की भी लड़ाई होगी, और इन्होंने कहा कि महबूबा जी जो हैं वो इंतखाबात में ज़रूर हिस्सा लेगी। ले चलते हैं इजाज़त अपने साथी बुरहान के साथ। मैं शाहिद हसन, ग्रोविंग कश्मीर के लिए डाक बंगलू अनंतनाग से। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।